नमस्कार, अली आवर्जन राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान आपका स्वागत करता है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। मेरा नाम सीमा है एवं मैं इस संस्थान में ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। आज संपूर्ण विश्व में कोरोना की त्रासदी व्याप्त है। हमारे देश में भी लाखों लोग इस त्रासदी से पीड़ित हैं। आज के समय से पहले हम कभी भी इतने चिंतित और इतने हमने खुद को इतना असहाय नहीं महसूस किया था। सभी लोगों के मन में ये सवाल है, ये डर है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, साथ ही अपनी शरीर की इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे अच्छा करें ताकि हम इस बीमारी के शिकार ना हो। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जिन्हें और तरह की व्याधियाँ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम है, इसके अलावा और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ये डर है कि इस कठिन समय में हम क्या करें। तो इन सब का समाधान योग में है। जब हम योग की बात करते हैं तो योग के दो प्रमुख अंग हैं आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम को आज इसीलिए हम विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं और हमारे विषय का नाम है बीट कोविड लॉकडाउन विद योगा। किस तरह से हम इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें और योगा से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, अपने शरीर को और शक्तिशाली बनाएं। जब हम योग की बात करते हैं तो जो प्राणायाम है, प्राणायाम का अर्थ है कि हमारी जो प्राण शक्ति है उसको हम बेहतर बनाते हैं। जब हम प्राण शक्ति की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल वायु से ही नहीं है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये हमारी प्राण शक्ति को स्टिमुलेट करता है, इसको डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है और साथ ही इसको बैलेंस करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे जो खून की नलियाँ होती हैं उसमें रक्त का शोधन होता है। जब रक्त का शोधन होता है तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। मेटाबॉलिज्म बेहतर होने का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारा भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होता है और यह ऊर्जा हमारी सभी कोशिकाओं के लिए ईंधन का कार्य करती है। साथ ही जब हम आसन की बात करते हैं तो आसन हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को व्यायाम देते हैं। हम रोज इसलिए नहाते हैं ताकि हमारे बाह्य शरीर का शुद्धिकरण हो, लेकिन जब हम योग करते हैं, हम आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारे आंतरिक शरीर का शुद्धिकरण होता है, हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा हार्ट बेहतर काम करता है, हमारा श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल द सिस्टम्स दे फंक्शन ऑप्टिमली और साथ ही हमारा शरीर लचीला बनता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उस वो भी ऑप्टिमली काम करता है। जब ये सारी चीज़ें ऑप्टिमली काम करती हैं तो उससे हमारा शरीर सक्रिय होता है, हमारे अंदर स्फूर्ति होती है एवं हम शरीर को बहुत हल्का महसूस करते हैं। इसके साथ ही इन जनरल हम बहुत स्ट्रेस और तनाव से भी अक्सर ग्रस्त होते हैं और स्पेशली इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हम घर से भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, साथ में बाहर ये महामारी फैली है तो हम और ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस से ग्रसित हैं। इसलिए योग करने से, प्राणायाम और आसन करने से हमारे शारीरिक साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो अभी हम ज़्यादा टाइम लेक्चर की बजाय डायरेक्टली हम योग और प्राणायाम पर आते हैं। सबसे पहले हम योग से शुरुआत करते हैं, इसलिए हम आसनों से शुरुआत करेंगे और आसनों से शुरुआत करने से पहले
हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिससे हमारा शरीर आसन करने के लिए तैयार हो और इसमें थोड़ा सा ढीला पड़ा है, ठीक है। अभी आप पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए, इस प्रकार बैठिए। आप केवल पैरों की उंगलियों को नीचे और ऊपर की ओर मोड़िए, उसके बाद पूरे पैरों को नीचे और ऊपर की ओर मोड़िए। फिर हम पैरों को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़िए। उसके बाद हम गर्दन का संचालन करेंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अभी साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी हम कंधों का संचालन करेंगे, आगे से पीछे की ओर। फिर पीछे से आगे की ओर। अभी हम हाथों को कंधे पर रखेंगे और इस प्रकार से आगे से पीछे की ओर एवं पीछे से आगे की ओर। अभी हम खड़े हो जाएंगे, सांस लेते हुए पैरों के पंजों के बल खड़े होकर हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे, इससे हमारे पूरा शरीर स्ट्रेच होता है, इसको प्राणासन बोलते हैं। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, एक बार इसको फिर से करेंगे। फिर थोड़ा सा घुटनों के बल छूट जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला दिया, हाथों को इस प्रकार रखा, एक बार फिर वापस आए, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस आए, एक बार वापस, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस। अभी हमने ताड़ासन करा, अभी हमारा दूसरा आसन है त्रिकोणासन। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में हमें 2 से 2.5 फीट का गैप देंगे, हाथों को इस प्रकार करेंगे, एक हाथ को इस तरह जमीन पे रखा और दूसरे हाथ को सीधा रखा, सांस लेते हुए सांस अंदर लेते हुए हमने ये आसन करा। इस पोजीशन में खुद को 10 से 15 सेकंड रखिए, ज्यादा देर ना रख पाए तो मत रखिए, फिर आप वापस आइए। फिर दूसरी तरफ हाथ को जमीन पे रखा, जितना रखना है उतना रखिए और एक हाथ को ऊपर की तरफ। फिर हम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे।
उसके बाद हम तीसरा आसन करेंगे, इसको अर्ध चक्रासन बोलते हैं। सामान्य लोग पूर्ण चक्रासन नहीं कर पाते इसलिए हम अर्ध चक्रासन करेंगे। हाथ को हम कमर में रखेंगे और उसके बाद पीछे की तरफ मुड़ेंगे। सांस लेते हुए पीछे की तरफ फिर वापस आ जाए। उसके बाद अगला आसन है पादहस्तासन। इसको करने के लिए सांस लेते हुए हाथ ऊपर करिए, फिर हम अपने चेहरे को घुटने पे लगाएंगे, हाथ को जमीन से छुआएंगे, जितना कर पाए उतना ही करिए, फिर वापस अवस्था। फिर नीचे आइए, चेहरे को घुटने से लगाइए, फिर वापस उसकी अवस्था में आ जाए। इस प्रकार हमने ये चार आसन खड़े होकर किए। अभी हम थोड़े आसन बैठकर करेंगे। इस प्रकार आप बैठ जाइए। उसके बाद इसको जानु शीर्षासन बोलते हैं। एक तरफ पैर करिए और फिर जिन लोगों को भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो आगे झुकने वाले एक्सरसाइजेस को ना करें। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर दूसरी तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर एक बार और। अभी हम इसको दोनों पैरों से करेंगे। आपके चेहरे को घुटने पर लगाएंगे, उतना हो सके उतना लगाएंगे और आगे से कंधे को पकड़ेंगे। वापस आ जाइए। उसके बाद हम भद्रासन करेंगे। भद्रासन करने में इस तरह से अपने पैरों को ज्वाइन करिए और इस प्रकार बैठ जाइए। पेट अंदर सीना बाहर की तरफ निकला हुआ हो, अभी हमने जानु शीर्षासन किया। जब हमने दोनों पैरों से करा तो उसको पश्चिमोत्तानासन किया। फिर हमने नेक्स्ट हमने ये तीसरा हमने आसन किया। उसके बाद हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए आप इस प्रकार पैरों को रखिए, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। पर आपने हाथ कमर पे रखा और आप पीछे की तरफ जितना झुक पाए वापस आ जाइए। अभी आप मत करिएगा, लेकिन जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप धीरे धीरे इस प्रकार कर पाएंगे। कोशिश करेंगे। आप पद्मासन नहीं कर पाए तो आप एक पैर को भी एक थाइस के ऊपर रखिए, दूसरे पैर को दूसरी थाइस के ऊपर। ये आपका पद्मासन हो गया। इसी में जब हम हाथ को इस तरह से
सांस लेते हुए ऊपर करते हैं, इसे कर्णासन बोलते हैं। पद्मासन, कर्णासन आपके रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर सांस लेते हुए नीचे आ जाए। इसके बाद हम करेंगे सस्कासन। सस्कासन में करने से पहले इस प्रकार बैठ जाइए, देखिए इस प्रकार आपको बैठना है। इस आसन को वज्रासन बोलते हैं। यह आसन हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस आसन में बैठने के बाद आंखों को इस प्रकार रखिए और आगे की तरफ झुकिए, अपना हाथ और चेहरा जल्दी से लगा दीजिए। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, सिंपली पेट पे भी हाथ रख के कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हमने हाथों को फैलाया, अंगूठों को अंदर करा, अंगूठों को उंगलियों से दबाया, नाभि के दोनों ओर इस प्रकार से रखा और पेट से हम सारी हवा निकाल दें। पेट से सारी हवा निकालने के बाद हम इस प्रकार झुक जाएंगे और इस आसन का पूर्णता लाभ लेने के लिए आप उसको एक कम से कम एक मिनट तक करिए। धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाएं और उसको ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। और इसका पूरा लाभ लेने के लिए आप उसको एक से पाँच मिनट तक सुबह करें। इसको दूसरे प्रकार से करने के लिए ऐसे आपने बायां हाथ रखा, फिर आपने उसके ऊपर दायां हाथ रखा, पेट से पूरी हवा को निकाल दिया और फिर आप नीचे आए। अभी हम कुछ आसन लेट के करेंगे। लेट के करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाइए और उसके बाद दोनों पैरों को इस प्रकार जोड़ लीजिए, इस प्रकार घुटनों से पैर और पेट और छाती को दबाइए और अपनी स्पाइनल कॉर्ड को जमीन पर या जिस मैट पर आप लेटे हैं उससे आप प्रेस करिए। इससे जो भी आपकी शरीर में जो वायु है, जो एक्स्ट्रा वायु है, वो निकलेगी। इसको पवन मुक्तासन बोलते हैं। वापस आइए, एक बार फिर करिए। हो सके तो अपनी नाक को घुटने से छुआ दिए, नाक और खोपड़ी को, फिर वापस आइए। अभी हमने बैठ के इस प्रकार भद्रासन किया था, अभी हम लेट कर रहे हैं। लेट के करने के लिए इस प्रकार पैरों को रखिए और हम पैरों को इस प्रकार पकड़ भी सकते हैं। ये सारे आसन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जितनी भी हमारे अधिनियम जो अंग हैं उन सबको भी व्यायाम देता है। उसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आंतों के लिए, हमारे स्टमक के लिए, गैस्ट्रिक के लिए। इसके लिए आप पैरों को आप इस तरह से हिप से थोड़ा सा नजदीक कर लो
और उसके बाद इस प्रकार अपने शरीर को उठाएं, पेट से सारी हवा निकाल दो, इस तरह से हाथों से पैरों को पकड़ लें, ना पकड़ पाए तो जितना पकड़ सकते हैं उतना पकड़ लें, फिर वापस इस पोजीशन में आए, एक बार और, इसके बाद एक बहुत सरल आसन है जिसे हम बोलते हैं मरकट आसन, ये हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। इस आसन को करने के लिए आप इस तरह से हाथों को फैला के लेट जाएं, पैरों को मोड़िए और एक तरफ पैरों को करिए, जिस तरफ आपने पैर करे उसके ऑपोजिट साइड अपना मोड़ दें, इस पोजिशन में थोड़ी देर रहें, फिर सांस छोड़ दें, फिर दूसरी तरफ, फिर सांस छोड़ दें, फिर दूसरी तरफ। इसके बाद हर आसन में, हर आसन में हम इस प्रकार पैरों को 90 डिग्री के एंगल में रखते हैं, ये भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हमारी आदत हो जाएगी, ये अर्ध हर आसन है, पूर्ण हर आसन जब हम कर पाएंगे तो हम पूर्ण हर आसन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अर्ध हर आसन करिए। इसके बाद हम करेंगे कान का आसन, इसको हम एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, इस प्रकार करिए। इसमें बहुत पैर को नहीं उठाना, इस पर जब हम थोड़ा पैर को उठाते हैं तो इसमें हमारी लोअर एब्स पे काम होता है, जब हम ज़्यादा उठाएंगे तो अपर एब्स कर लेते हैं, तो यूजली हम एक फीट के आसपास उठाते हैं। सांस लीजिए, सांस को रोके रखिए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आइए, सांस लीजिए, सांस को रोके रखिए, फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आइए, सांस लीजिए, सांस को रोके रखिए, फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आइए, फिर हम दोनों पैर से भी कर सकते हैं। सांस लिया, सांस को रोके रखा, फिर सांस को छोड़ दिया। दिस आसन इज वेरी गुड फॉर योर स्टमक प्रॉब्लम, फॉर थाइस, फॉर योर पैंक्रियास। देन वी कैन डू नॉक आसन। नॉक आसन में करने के लिए इस तरह से आपने पैरों को थोड़ा सा उठाया, फिर आपने हाथों को उठाया, वापस आ जाइए, फिर पैर को उठाया, हाथों को उठाया, फिर वापस आ जाइए। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेटने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं भुजंगासन। ये तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहले प्रकार में आपने इस तरह से अपने कंधों को सीधा रखा, साइड में हाथ रखे और इस पोजीशन में रहे, फिर वापस आए, एक बार फिर कंधों को ऐसे चिपका के रखिए शरीर से, हाथों को कंधों के पास और इस प्रकार, ये एक प्रकार है। दूसरी प्रकार से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप पूरा उठ जाइए, अपने आधे शरीर को उठा लीजिए,
तीसरे प्रकार में जो लोग यूथ हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे हैं, ये इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। शलभासन बोलते हैं, इसको हम एक पैर या दोनों पैर से कर सकते हैं। इसको करने के लिए हाथों को साइड में रखिए, सांस लेते हुए पैर को उठाइए, सांस रोक के रखिए, छोड़ते समय वापस लाइए। उसी प्रकार दूसरे पैर से फिर हम दोनों पैर उठा के भी कर सकते हैं। ये पूर्ण शलभासन है। अभी आप आगे से भी उठा सकते हैं खुद को। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके इतने आसन हो गए। अभी मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताती हूँ। सूर्य नमस्कार, अगर आप रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 राउंड से, then you can do 25, 50, 100, how many rounds? वो आपके पूरे शरीर को व्यायाम देता है। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, पेट अंदर छाती बाहर, फिर उसके बाद हस्तासन, जिसमें आप चेहरे को घुटनों पे लगाते हैं। उसके बाद एक पैर को से आप इस तरह से एक पैर को नीचे करते हैं। उसके बाद इस प्रकार इसमें आप पेट को जमीन से नहीं लगाते, ये मकर आसन है। फिर भुजंग आसन, फिर वापस, फिर दूसरा फिर आगे, फिर बाद आसन, फिर पीछे की ओर, और फिर वापस। सूर्य नमस्कार है, अगर आप इसको चाहे तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इस तरह से आप सूर्य नमस्कार के अगर आप 25 राउंड करते हैं, तभी आप देखते हैं कि आपको आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर से तरोतर हो जाते हैं। जब भी हम योगासन करते हैं तो हमें ये देखना है कि टॉक्सिंस भी शरीर से बाहर निकलने चाहिए। अभी आसन होने के बाद मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताती हूँ। हम इम्पोर्टेंट कुछ प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले कोई भी प्राणायाम करने से पहले हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जो हमारे शरीर में
रक्त का शुद्धिकरण करता है, नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। ये बहुत सरल आसन है, आप आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ को सीधा रखिए और उसके बाद जो आपकी दाई नासिका है, दाई नासिका से आपने अंगूठे से दाई नासिका को बंद कर दिया, राइट नॉस्ट्रिल्स को आपने बंद कर दिया और उसके बाद बाएं नॉस्ट्रिल से आपने सांस लिया। सांस लेने के बाद आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को बंद करा, दाएं नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ा, फिर आपने दाएं नॉस्ट्रिल से सांस लिया, फिर आपने बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ा। ये आपका एक सर्किट है, कृपया आप 4 से 5 सर्किट करिए। दाई नासिका को बंद करा, बाएं से सांस लिया, बाएं नासिका को बंद किया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, फिर बाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से सांस लिया, बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा। जब आप अनुलोम विलोम 5 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट जब आप करते हैं, आप चाहे तो इसको आधा घंटा भी कर सकते हैं, खाना खाने की थोड़ी देर बाद भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत रिलैक्स करता है, बच्चों के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। उसके बाद दूसरा प्राणायाम है कपाल भाती। जब हम कपाल भाती प्राणायाम करते हैं तो झटके से हम हवा को बाहर निकालते हैं, एक्चुअली हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और इससे हमारे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो आपको किस प्रकार करना है और आपको उसको स्लो गति में करना है ताकि उसको सब कर सकते हैं। इसके बेहतर लाभ के लिए आपको इसको कम से कम 15 मिनट करना चाहिए और इसको खाली पेट ही करना चाहिए। उसके बाद तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ये भी हमारे कॉन्सेंट्रेशन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हमको क्या करना है, ये हमारा हाथ है, इस तरह से हमें अंगूठे से कान को बंद करना है, पहली उंगली को माथे पर लगाना है और बाकी तीन उंगली को आँख पे लगाना है, फिर हमें हमिंग करना है, भौरे के समान आवाज निकालना है सांस लेते हुए और फिर भौरे की आवाज तरह आवाज निकालते हुए सांस छोड़ेंगे। Thank you.
कर सकते हैं। और एक आखिरी प्राणायाम है जिसको उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। इसमें आप सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते समय या तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप केवल आ बोल सकते हैं, या फिर आप केवल हमें कर सकते हैं। एक बार और इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट से आप 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर चाहे कर सकते हैं। और आप सुबह उठने के साथ और आपको सोने के पहले इस प्राणायाम को जरूर करिए, इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। और अभी सारे प्राणायाम करने के बाद हम एक थोड़ी सी देर के लिए शवासन करेंगे। शवासन करने में पैरों के बीच थोड़ा अंदर रखें, पैरों के बीच आपने थोड़ा अंदर रखा, हाथों को भी आपने शरीर से थोड़ा दूर रखा। रिलैक्स होकर ब्रीदिंग कर ली। अभी आपका ललाट, चेहरा, गर्दन, कंधे, सारे शरीर के अंग रिलैक्स हो रहे हैं। आपके छाती, पेट, जिनमें खिंचाव हो रहा है तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ होगा। अभी हम इस सत्र की समाप्ति की ओर हैं। इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं अपने डायरेक्टर डॉक्टर सुनील मैथ्यू मैडम की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस सेशन को करने का अवसर दिया। मेरे स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर अरुण मलिक, उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ। साथ ही अली आवर्जन संस्थान के मेरे सारे कलीग, उनको भी थैंक्स अ लॉट। और साथ में मैं अपने स्टूडेंट इंटर्न अनिल और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर उत्तम कुमार का भी बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। आप सभी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।